नमस्कार साथियों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए लगातार जो एक्सपीरियंस की वीडियो लेकर के आ रहा हूं, तो जो एक्सपीरियंस की वीडियो का जो है 8वां पार्ट है, तो इसमें आप सभी को सुनना है कि उनका जो है ट्रेड टेस्ट किस प्रकार से हुआ था और क्या क्या उनके द्वारा करवाया गया है। इन भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या वहाँ पूछा जा रहा है और क्या क्या करवाया जा रहा है। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लेना। और मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आगे से जो भी वीडियो आएगी वो मेरी जो एमसीजी एकेडमी ग्वालियर उसके नीचे जो चैनल दिया गया है आप लोगों के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए स्पेशल चैनल बना दिया है मैंने, जिससे वहाँ पर जितने भी ट्रेड टेस्ट के हमारे बच्चे हैं वो इकट्ठे हो सकें। क्योंकि यदि व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 257 लोग ही जुड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने लोग चाहें उतने जुड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने यूट्यूब पर ही एक चैनल क्रिएट कर दिया है जिसपे हमारे जो है ट्रेड टेस्ट वाले बंदे जुड़ जाएंगे और संबंधित वीडियो मुझे उपलब्ध करवाएंगे। मैं वहाँ आप सभी के लिए जो है प्रतिदिन आपका अनुभव वीडियो जो है लेकर के आता रहूँगा। और ये आज आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस का 8वां पार्ट है और इन भाई का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, सो इसको देखना जरूर है। और यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, और कोई भी यदि आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो इनको ध्यान से पूरा अंत तक सुनिएगा। सर आप बताइए, सर आप कौन से ग्रुप से हो? सर ग्रुप बी से। सर ग्रुप डी का ट्रेड टेस्ट दिया था। सर आपने कहाँ से दिया था? सर नासिक। और किस ट्रेड से दिया था? सर स्वीपर। स्वीपर से दिया था सर। जी हाँ। तो सर आप अपना जिस प्रकार से मतलब जो कुछ भी आपसे करवाया गया है तो आप एक एक जो है बात अपने साथियों को शेयर कीजिए कि सबसे पहले आप उसमें इंटर हुए उसके बाद आपसे क्या करवाया गया। जैसे कि हम लोग को 5:30 बजे बुलाया था, तो हम लोग 5:30 से पहले पहुंच गए थे। वहां पे लाइन लगी हुई थी और बारिश हो रही थी उस समय। हाँ। और तो फिर बाद में हम लोग को 5:30 बोल के 6 बजे अंदर लिए। हाँ। 6 बजे अंदर लेने के बाद पहले हम लोग को बिठाया गया सबको लाइन वाइज। फिर जैसे उनका बायोमेट्रिक होना था, तो बायोमेट्रिक होना था, कुछ जनों का हो गया और कुछ जनों के फिर रुका दिए थे हम लोगों को, तो उनका कुछ सिस्टम बराबर से नहीं चल रहा था। तो फिर हम लोग 12 बजे तक बैठे ही थे। हाँ, 12 बजे के बाद हम लोग का जैसे एक एक सबका नाम बुलाया, नंबर दिया था उनको एक एक। हाँ, तो हम लोगों को एक एक नंबर लिया था, तो नंबर के हिसाब से हम लोग को बिठाए थे। फिर 50-50 का ग्रुप बना के। हाँ, सर। फिर वो 50-50 का ग्रुप बना के फिर 50 में से भी 10-10 जन का अलग अलग ग्रुप बनाया था, जिससे कि फिर 10-10 जन को हम लोग को एक एक ट्रेड टेस्ट के लिए भेज रहे थे। फिर अंदर हम लोग को एक रूम में रखा था पहले, 50 जन को एक रूम में बंद करके रखा था, एक रूम में बंद करके। अच्छा, 50-50 लोगों का ग्रुप बनाया और जिन ग्रुपों को एक एक रूम में बंद कर दिया। हाँ, सबको 50-50 जन को सबको अलग अलग हिस्से में, मतलब अलग अलग कमरे में रखा था हम लोगों को। हाँ सर। और फिर उसके बाद जैसे जैसे वो एक 50 जन का ग्रुप का हो जा रहा था। हाँ सर। फिर अगले 50 जन को फिर बाहर निकाला जा रहा था, फिर उन लोगों को भेजा जा रहा था इस प्रकार से। हाँ, तो फिर उसके बाद जैसे और जैसे हम लोग का फिर बायोमेट्रिक नहीं था, तो फिर हम लोग का सबका नाम लेके पुकारा गया था सबको और नंबर दिया गया था। बायोमेट्रिक क्यों नहीं हुआ सर आपका? क्योंकि बायोमेट्रिक वो सिस्टम बंद हो गया था उनका, तो जैसे नीचे से फिर कंप्यूटर से एक लिस्ट निकाला था, जो वहाँ पे सीनियर ऑफिसर थे। हाँ। उन्होंने एक लिस्ट निकाली थी जिसमें हम लोग का सबका नाम था और हम लोग का जो कोड था नंबर। हाँ। वो उन्होंने निकाला और उस कोड वाइज फिर हम लोग को बिठाया गया था। हाँ सर। हाँ, फिर उसके बाद जैसे वो खत्म हुआ, वो प्रोसेस खत्म हुआ, वैसे हम लोगों को फिर ट्रेड टेस्ट के लिए अगले सामने वाले एक दो मतलब दो कमरे वहाँ पे, मतलब एक बड़ा ऑफिस है जहाँ पे सबको रेस्ट रूम है रहने के लिए सबको। हाँ सर। वहाँ पे लेके गया जहाँ पे सब लोगों का बेड शीट वगैरह सब था, बेड वगैरह था वहाँ पे, हम लोग को बोले कि बैठने के लिए सब लोगों को। जैसे जैसे 10-10 जन का नंबर लगेगा वैसे तुम्हारा नंबर आएगा, वैसे जाना है। जैसे हम लोगों को मेरा नंबर आया, मेरा नंबर मैं आपको बता देता, पर अभी नहीं बता सकता जब तक रिजल्ट ना लगे तब तक। हाँ सर। नहीं सर, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो जाए इसके लिए। नहीं सर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने भाइयों को क्या है शेयर तो कीजिए सर, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ओके, 194 है मेरा नंबर। हाँ सर। हाँ, मेरा नंबर 194 था। जैसे हम लोग 50-50 के हम लोग 6 बैच बनी थी। हाँ सर। 300 जन थे हम लोग। हाँ सर। तो स्वीपर के थे सब, 2 तारीख को स्वीपर का ही खाली था। हाँ सर। हाँ, तो 2 तारीख खाली स्वीपर का था, तो हम लोग 300 जन थे उस टाइम पे। यस सर। तो मेरी चौथी बैच थी उस टाइम पे। चौथी बैच थी। जी हाँ, चौथी बैच थी, मेरा 194 नंबर था। यस सर। तो जैसे मेरे 10 जन को हम लोग को भेजा गया, तो हम लोग को सब बोला गया कि बाल्टी झाड़ू वगैरह सब उठाने के लिए। वहाँ पे रहता है झाड़ू बाल्टी वगैरह सब रहता है वहाँ पे।
झाड़ू बाल्टी और हार्पिक का जो है बाथरूम क्लीनर दिया था। सर हार्पिक का दिया था या नॉर्मल जो तेजाब की बोतल होती है वो दिया था? नहीं नहीं हार्पिक का बाथरूम क्लीनर दिया था और बाकी फिनाइल दिया था। फिनाइल दिया था तो सर आपने क्या यूज किया सर? फिनाइल नहीं, मैंने मुझे मुझे बाथरूम क्लीनर दिया था तो मैं हार्पिक का बाथरूम क्लीनर, क्योंकि मुझे मैं स्वीपर का पहले भी काम कर चुका हूँ ना, अच्छा सर, तो मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज का, तो मैं वही, तो उनको जैसे वो जैसे जैसे उन्होंने बोला कि ये मतलब जो जो सामान लगता है उठा लो, अच्छा मैंने उठा अच्छा लिया था। अच्छा तो सर आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, जैसे कि किसी को यदि फर्श साफ करने के लिए बोला जाए तो क्या उठाना चाहिए सर? फर्श साफ करने के लिए देखिए, फर्श साफ आप जैसे R1 R2 से लेके R9 तक आपको सब सब चीजें पता रहनी चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे यूज करना है। हाँ सर वही तो बता दीजिए सर, क्योंकि अभी जो हमारे जितने भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे नए हैं तो उनको पता नहीं है सफाई में क्या क्या यूज होता है। सर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, थोड़ा सर बता दीजिए सर। जैसे R1 है, R1 आपको R1 यूज यूज करना आना चाहिए। R1 जो है R1 आपको जैसे ये क्या बोलते हैं वॉश मशीन होता है और जो टाइल्स होती है उसको साफ करने के लिए R1 यूज करते हैं। R1 क्या होता है सर जी? R1 जो होता है वो एक क्लीनर रहता है, जैसे आप उस साफ सफाई के लिए यूज करते हैं। अच्छा सर सारे के सारे क्लीनर वहाँ पर रखे हुए रहते हैं? नहीं वहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, तो सर वहाँ पे आपको सिर्फ दो चीजें मिलेगी। क्या क्या? एक तो एक हापी का बाथरूम क्लीनर मिलेगा और दूसरा फिनेल मिलेगा, बस सर ये दो ही केमिकल मिलेंगे वहाँ पे, दूसरे कोई को केमिकल नहीं रहते। और जैसे इसकी जो अलग अलग बाटली होती है, मतलब जैसे फिनेल की जो है अलग अलग कलर की बाटली होती है, मतलब अलग अलग कलर के होते हैं, पर फिनेल ही होता है वो एक्चुअली, वो अपने को गुमराह करने के लिए, वो दूसरा कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये फिनेल नहीं है, दूसरा कुछ होगा क्लीनर होगा, आप अगर उसको कहीं पे भी यूज कर लोगे तो फिर पकड़े जाओगे। क्या जैसे कि फिनाइल? हाँ फिनेल की अलग अलग तीन चार बाटली रखी रहती है वहाँ पे। हाँ सर तो वो बाटली मतलब वो 10 जन को यूज करना रहता है, थोड़ा कैसे वहाँ पे सभी सुविधा नहीं लेती है कि जहाँ पे दो दो तीन बाटली रखी रहती है फिनेल की, अभी 10 जन में आपको वही दो तीन बाटली यूज करना है और हापी की दो तीन बाटली होती है, तो उतना ही यूज करना रहता है, उसमें उसमें आपको एडजस्ट करके लेना पड़ता है। और जैसे आप हापी जो बाथरूम क्लीनर है वो तो पूरे बाथरूम को साफ करने के लिए होता है, तो जैसे कोई अगर साफ सफाई के लिए बोले तो आप फिनेल नहीं उठाएंगे, आप हापी बाथरूम क्लीनर उठाएंगे जैसे साफ सफाई कर सकते हैं। जैसे सर अपन से सर एक एक से बता दिया, जैसे सर बाथरूम साफ करने के लिए भैया उसमें क्या सर फर्श पर साफ करना पड़ता है या पूरी दीवार वीवार सब कुछ? सब सब साफ करना पड़ता है बाथरूम साफ, जैसे उन्होंने बोले कि बाथरूम साफ करना है या टॉयलेट साफ करना है तो आपको पूरा साफ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप खाली नीचे बाथरूम साफ कर दिए और बस हो गया, उतने में नहीं होता ऐसा सर। हाँ उसके अंदर जो कांचे लगी होती है कांच को साफ करना पड़ता है, दरवाजा साफ करना पड़ता है, और जहाँ पे से हम इंटर करते हैं वहाँ पे लादी वगैरह सब साफ करना पड़ता है ऐसा सर। और उसके अलावा वहाँ पे जैसे साफ करने के बाद आप वाइपर का इस्तेमाल करना है, जैसे झाड़ू का झाड़ू से आप साफ कर लोगे, उसके बाद पानी डाल के वाइपर से एकदम क्लीन करना है जिसमें पानी ना हो, क्योंकि ऑफिसर अंदर आके चेक करते हैं तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा ऐसा फिसलना नहीं चाहिए उनका पैर, तो ऐसा पूरा साफ सफाई करना पड़ता है अच्छे से। सर आपका हो गया? मेरा हो गया है, मेरा अभी सिलेक्शन भी हो गया है। यस सर। पहले जैसे आप आपका ट्रेड टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको बाहर लेके जाते हैं जहाँ पे हॉल है, हॉल में बिठाया जाता है। सर पहला थोड़ा इसका और क्लियर कर दीजिए, जैसे आप ही के साथ वाले थे किसी को फर्श साफ करवाया तो सर फर्श साफ करने के लिए क्या क्या लेना है सर, ये सब चीजें बता दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें नए हैं, उन्होंने कभी साफ सफाई नहीं की है, लेकिन वो जाना जाएंगे तो है ही, तो उनको एक्सपीरियंस ये शेयर कर दीजिए, जैसे यदि फर्श साफ करना है तो हमको क्या क्या लेना होगा? फर्श साफ करने के लिए आपको जो है फिनेल यूज करना पड़ेगा और सर यदि बाथरूम से बाहर जो फर्श होती है उसके लिए आपको फिनेल यूज करना पड़ेगा। और यदि वॉशरूम साफ करना हो तो? अगर वॉशरूम साफ करना हो तो आपको उसके लिए एक ही केमिकल वहाँ पे उपलब्ध है, अगर अगर वो दो चार केमिकल यूज करने के लिए देते हैं तो ठीक है, नहीं तो वैसे तो हमको एक ही दिया था वो हापी का बाथरूम क्लीनर, उसे उसी से हमने टॉयलेट भी साफ किया और उसी से हमने ये भी साफ किया। मतलब यदि फर्श साफ करने को कहे तो क्या लेना है? फिनेल यूज करना पड़ेगा और फिनाइल, और यदि उसके लिए बोले तो हमें क्या हापी क्लीनर लेना है? हाँ हापी क्लीनर। हाँ सर और उसके बाद बताइए सर क्या हुआ? तो उसके बाद जैसे हमारा ट्रेड टेस्ट खत्म हुआ हम लोगों को लेके गए, मतलब जैसे वहाँ पे एक ऑफिसर हमारे साथ में रहते हैं, वो ऑफिसर लेके गए हम लोगों को सबको, और फिर वहाँ से फिर हम लोग हॉल में बैठे,
हाँ तो जी हॉल में काफी देर तक लोग हम लोग को रुका के रखे थे। जैसे सबका हो जाता है, मतलब जैसे 300 जन थे हमारे, 300 जन का सबका होने के बाद ही उन्होंने फिर एक एक रिजल्ट डिक्लेयर करना चालू किए। तो जैसे अलग अलग जगह भी बिठाए थे सबके बैच को, खाली हम लोग 3, 4 और 5, 6 बैच, हम लोग 4 साथ में थे, बाकी 2 बैच अलग थी। सबका जैसे पहले बैच से रिजल्ट डिक्लेयर करना चालू किए, तो वैसे ही हम लोगों का फिर हम लोग की जैसी बारी है वैसे ही सब लोग बैठे थे, सबको उठने के लिए खड़ा करने के लिए बोल दिए, और सबका एक एक नंबर बोल रहे थे, जो नंबर था और नाम दोनों ले रहे थे। और एक एक ऑफिसर थे जो नंबर नोट कर रहे थे और आपको बोलने के लिए बोलते कि आपका नंबर क्या है, अगर आप नहीं बोल पाए तो फिर आपको भी हटा दिया जाता है। अच्छा, हाँ, तो आप अपना नंबर भी वो याद रखिएगा जो लिखते हैं। जो नंबर वो पहले दिया गया था उसको याद रखना है। हाँ, उसको याद रखना है, वो नंबर आपका जो है वो आपके हाथ पे लिख के देते हो, वो नंबर बाद में जब साफ सफाई करते हो तब आपका हाथ से निकल जाता है, वैसे पर आपको याद रखना है। ऐसा। तो वही नंबर के हिसाब से आप बैठना पड़ता है, कहीं आजू बाजू में नहीं, जो आपका आपका साथी आगे पीछे वाले उसके साथ में बैठना पड़ता है। जैसे नंबर बोलेंगे वैसे आपको उठ के दूसरी जगह पे बिठा दिया जाता है, जिस जिसका नंबर आता है उनको क्वालिफाई कर लिया जाता है, और जो नहीं क्वालिफाई हो जाते उनको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी प्रोसेस में काफी समय चला गया था सर, जैसे उनका पहला ही दिन था 2 तारीख का, हाँ सर। तो उसमें काफी समय चला गया था। जैसे सुबह हम लोग को 5 बजे अंदर लिया, 6:30 बजे अंदर लिया था, तो 6 बजे दूसरे दिन सर सभी लोगों को अंदर ले लिया था सर, 6 बजे। 6 बजे सभी अंदर आ गए थे, और फिर 6 बजे आने के बाद हम लोग दूसरे दिन रात को 2 बजे हम लोग को छोड़ा गया है। अच्छा सर, मतलब पूरा 1.5 से 2 दिन लग गया सर। हाँ, पूरा पूरा दिन लग गया था हम लोगों को, मतलब पूरी शाम हो गई थी, दूसरे दिन रात को हम लोग बाहर निकले थे 2 बजे। पूरी शाम हो गई, रात को 2 बजे बाहर निकले सर। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब होने के बाद हम लोग 2 बजे बाहर निकले थे। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाल ही साथ में ही होता है सर। हाँ, साथ में होता है, तो जैसे सर ही आपका ट्रेड टेस्ट हो जाता है, ट्रेड टेस्ट के बाद वो लोग जो सिलेक्ट होते बंदे उनको ही रुकाते, बाकी सबको निकाल देते हैं, और अच्छा, फिर उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब साथ ही साथ होता है सर। क्या क्या ले आए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, थोड़ा बता दीजिए सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं लेके जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट, सर ये कितना पुराना चाहिए, सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट? ऐसा कुछ तो मेंशन किया नहीं उनके नोटिस में, और ऐसा कुछ है भी नहीं कि आप पुराना लेके आओ। आप अभी भी अगर बनाने के लिए डालते हो तो वो तारीख देते हैं, वो तारीख से पहले आपको उसको जमा करना है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि यदि नहीं हो तो उस डेट से पहले आप जमा करवा दें, ऐसा हुआ था सर, कोई था वहां पर ऐसा? नहीं, अगर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है, अपना ये नेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप नहीं कर सकते, आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब होना तो चाहिए। हाँ, कंपलसरी है वो, एक होना और नॉन क्रिमिनल होना जरूरी है, अगर आप कास्ट से हो तो, अगर आप ओपन से हो तो डोमोसाइल होना जरूरी है। क्या सर? डोमिसाइल होना जरूरी है अगर आप ओपन ओपन कास्ट से हो तो। ऐसा सर, जनरल वालों के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है? जनरल वाले के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की व्यवस्था नहीं, उसमें डोमिसाइल वगैरह हो गया बस उतना ही, और एक जो आपका 10वीं का जो जिस 10वीं के ऊपर प्रक्रिया है, तो 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट वो आपको चाहिए, और एक आधार कार्ड वो आपको, इसका जेरोक्स, और अगर कास्ट वाले हो तो कास्ट सर्टिफिकेट और एक नॉन क्रिमिनल का जेरोक्स। सर और एक बात तो बता दीजिए सर, शुरुआत में जो हमसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है तो उसमें सर मतलब क्या क्या लेके जाना है? जो शुरुआत में करवाया जाता है उसमें भी डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं ना, क्या क्या ले जाना है उसके लिए सर? जैसे शुरुआत में आप जाओगे तो आपको खाली आधार कार्ड रखना है, जिससे कि आपको आपका बायोमेट्रिक होगा तो उसके चेक करते, और आपका हॉल टिकट लेके जाना है, जो हॉल टिकट जनरेट किया गया है वो हॉल टिकट लेके जाना है, और वो हॉल टिकट दिखाते हैं, वो हॉल टिकट को मतलब वो फाड़ देते हैं, वो फाड़ने के बाद आधा आपको देते, आधा आपके वो ले लेते, और जो आधा जो हॉल टिकट बचा हुआ है वो बाद में डॉक्यूमेंट जब आपका वेरिफिकेशन होता है सिलेक्ट होने के बाद, वो भी ले लिया जाता है आधा। हाँ, तो आपके पास जो आधा बचा है वो भी ले लिया जाता है फिर डॉक्यूमेंट के साथ में, और तो एक आपके फाइल में पास क्या अटैच कर प्रूफ देते। रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है सर? प्रूफ वैसे आपको प्रूफ देते नहीं वैसे, वो जैसे आपको नाम ले लेते तो आप समझ लो, फिर उनके बाद बोलते ऑफिसर बोलते कि आप लोग सिलेक्टेड हो, ऑफिसर बोल देते हैं, फिर आपको रुकना पड़ता है, फिर और सर आपका खाने डॉक्यूमेंट की क्या व्यवस्था वेरिफिकेशन है होने सर? के बाद, यदि सर बच्चों को भूख लगती है सर, जैसे कि आप सुबह आप 6 बजे निकले अंदर हुए और क्या है रात में आप 2 बजे निकले, तो उस समय तक खाने के लिए क्या? खाने के लिए वहाँ पे कैंटीन है सर, जैसे वहाँ पे बाजू में जैसे उनका एक खुद का कैंटीन है वहाँ पे। हाँ जी सर। हाँ, तो वहाँ पे आप खा सकते हो, बट वो भी उनका भी कुछ टाइमिंग है, वो टाइमिंग के हिसाब से खाना पड़ता है। तो आप जब भी बैठोगे
ऑफिसर अगर बोले कि हाँ ठीक है जाओ, तो जाके खा के आ सकते हो, पर खाने में भी ज्यादा कुछ होता नहीं सर वहाँ पे। वड़ा ऐसा सर। पाव वगैरह होता है और चाय बिस्किट यही सब होता है, और केले रहते हैं वहाँ पे, केला अगर खाना है तो खा सकते हो आप। वो आपका सर कहाँ हुआ था? नासिक में। नासिक में हुआ था। सर आप अपने भाईलोगों को कुछ बोलना चाहोगे सर? कुछ नहीं, एकदम बेफिक्र होके जाओ, और कुछ टिप्स होती है जो आपको आजमाना है वहाँ पे, जैसे कि सर जैसे कि अगर आप वाटर कैरियर के लिए जा रहे हो तो फिर आप ऑफिसर जैसे वो चेक करने आते हैं, अंदर घूमते हैं थोड़े ऑफिसर, जो मेन ऑफिसर जो नंबर देते हैं वो तो बाहर ही रहते हैं, पर जो ऑफिसर जो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, स्टार उनका स्टार लगा हुआ रहता है उनके ऊपर, वो जैसे वेरिफिकेशन के लिए आते हो तो उनको उनको पता नहीं रहता कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या काम करते हो, क्या नहीं। अगर आप वाटर कैरियर में, तो आप पहले से बता दो कि मैं वाटर कैरियर का काम करता हूँ बाहर। जैसे आप अगर स्वीपर हो तो आप पहले से बता दो कि आप स्वीपर हो। बाहर मतलब पहले से ही ये काम करते हो ऐसा? बाहर हम पहले से ही काम करते हैं स्वीपर का काम। अगर आपने फॉर्म भरा है स्वीपर में तो आप स्वीपर हो ना, तो हाँ, आप और स्वीपर बता दो उनको। अगर आप मतलब बोलोगे कि नहीं मैं घर में काम करता हूँ, नहीं मैं ऑफिस में काम करता हूँ, तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। अच्छा सर, तो ये बहुत अपन से पूछते हैं कि अपन को पहले से ही बोलना है कि सर मैं बाहर स्वीपर हूँ, पूछते नहीं है सर जी। तो अपन को बताना पड़ता है सर मैं ऑलरेडी सर मैं बाटा कैरियर का काम करता हूँ घर पे ही। अगर अभी तो स्वीपर के सब खत्म हो गए, तो अभी तो सिर्फ वाटर कैरियर की शायद वो ये बाकी है। हाँ ट्रेड टेस्ट स्वीपर के तो ट्रेड टेस्ट खत्म हो गए। तो सर आपसे, आपने सर ट्रेड टेस्ट से पहले सर हमारा वीडियो देखा था सर एक आधी? जी नहीं, कोई बात नहीं सर, क्योंकि मैंने जितने लोगों का भी एक्सपीरियंस वीडियो डाला है उन लोगों ने देखा था, तो उन लोगों ने बोला है कि आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा, इसलिए मैं आपसे फीडबैक लेना चाह रहा था। आपने नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन सर मैंने भी एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वीडियो बनाई थी, तो सभी लोगों का कहना है बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे जो सहायक थे सुमित जी हैं वो ऑलरेडी आरपीएफ में हैं, तो उन्हीं लोगों ने, उन्हीं ने जो हमारे सर हैं उन्हीं ने हमें जो अनुभव के आधार पर बनवाया था, इसी कारण से मैंने वीडियो अच्छे से अच्छा दिया है और बहुत बड़ी मात्रा में जो है आरपीएफ के बच्चे मेरे से जुड़ गए हैं। तो सर आप उन लोगों को कुछ और संदेशा देना चाहते हो तो आप बिल्कुल कह सकते हो, आपकी आवाज़ ये हजारों लोग सुनने वाले हैं। कुछ नहीं सर, आप जो कुछ नहीं है, हौसला अफजाई रखना है बस, अच्छे से एकदम तैयारी करके जाओ, और क्या, उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। थोड़ा वाटर कैरियर का थोड़ा टफ होता है वैसे ट्रेड टेस्ट, तो उसी हिसाब से लोगों ने भी ज्यादा फॉर्म भरा है, तो उसी हिसाब से रहेगा वाटर कैरियर का भी। तो सर आप जिस दिन थे उस दिन सिर्फ स्वीपर वालों का ही था ना सर? उस दिन खाली स्वीपर वालों का था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना जो है इतना अच्छा अनुभव सर हमारे बहुत सारे अनुभवी जो बच्चे हैं उन लोगों में आपने बहुत ही सबसे अच्छा दिया है, क्योंकि मैंने देखा है कि आपने जिस प्रकार से एक एक बात क्लियर की है, क्योंकि कुछ क्या है कि अपना अनुभव भी क्लियर नहीं कर पाते कुछ बच्चे, यदि उनका सिलेक्स हो भी गया है फिर भी वो अपनी बात नहीं रख पाते सर, तो आपने सर जितना सिलेक्शन सिलेक्शन सर अभी सब सिलेक्शन के ऊपर ही होता है, जैसे उनको लग रहा होगा कि मैं ये और किसी हो जाएगा तो थोड़ा कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहे हैं। नहीं हाँ सर, कंपटीशन किस बात का सर, मेरी ये समझ नहीं आ रही सर। ऐसा होता है ना कि किसी को रिटर्न एग्जाम में ज्यादा ज्यादा मार्क्स है, किसी हाँ को सर, कम है, तो हाँ सर, उसका कम होगा शायद, उन्होंने बता दिए होंगे कि रिटर्न में कम है, अभी ट्रेड टेस्ट में अगर और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा तो फिर हमारा नहीं हो पाएगा, ऐसा इस हिसाब से हाँ, तो इस कारण से वो अपना क्या है कि शेयर नहीं कर रहे हैं सर। शेयर नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता हाँ सर, मेरे साथ क्या है 10 से जो है 8 से 10 लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया है, वो उनमें सर आपका सबसे बेस्ट रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो है इतना अच्छा जो एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करने के लिए दिया, है। धन्यवाद और सर। सर आप और कुछ मतलब यही आप बच्चों से जो है कुछ कहना चाहते हैं, तो आपने ये सब कुछ कह दिया, और कुछ यदि आप कुछ एक्स्ट्रा जो कि आपने वहाँ पर देखा हो आप कुछ कहना चाह रहे हो तो बता दीजिए सर। कुछ नहीं, आप जाओगे तो थोड़ा एक एक दो दिन रुकने जैसा सामान लेके जाइए, हाँ क्योंकि सर, बारिश बारिश होती है तो उस टाइम पे वो थोड़ा आराम करते हैं, जैसे हम लोगों को पूरा दिन लग गया था और दूसरे दिन छोड़ा गए, तो उसी हिसाब से आप भी इंतजाम करके जाइए कि 2 दिन की छुट्टी निकाल के, अगर काम कर रहे हो तो 2 दिन की छुट्टी निकाल के जाओ, यस या सर, अगर आप अगर जा रहे हो, आपका मतलब लंबे से आ रहे हो, तो आप 2 दिन पहले पहुंच जाओ वहाँ पे, ऐसा है सर, ऐसे भी कर सकते। स्टेशन पे है सोने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, आप वहां से सर, सो सकते हो। वहां से जाने के लिए 30 रुपये रिक्शे का लगता है, आने जाने का जो आने का भी 30 रुपये लगता है, जाने का भी 30 रुपये लगता है, और थोड़ा अंदर है आने जाना, वहाँ पे आजू बाजू में कुछ रहने के लिए थोड़े से घर है, बट वहाँ पे आप नहीं रह सकते वहाँ पे, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करके रहना पड़ेगा, एक दो दिन निकालना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना जो है कीमती समय हमें दिया और बच्चों के साथ अपना अनुभव शेयर किया।